मैं कई दिन से एक ऐसा ऐप ढूंढ रहा था जो आपके व्हीकल के मेंटेनेंस में आप लोगों की हेल्प कर सके। तो शुरू करते हैं, कौन सा है वो ऐप? ये ऐप ऐसा है कि आपका हर एक फ्लक्स का ट्रैक करेगा, ये बताएगा आप कितने किलोमीटर चले हो, ये भी बताएगा कि आपकी कब सर्विस होनी है कब नहीं होनी। और हाँ, अगर आप कई गाड़ियों के मालिक हो तब भी आपको अपनी अपनी गाड़ियों का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। सिंपली ऑटोस ऐप का नाम है, तो आप अभी इंस्टॉल कर लीजिए। आपका व्हीकल का पूरा डिटेल इसके अंदर आप फिल करे हुए, मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे क्या होगा, सारा कुछ डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कई गाड़ियों का इसमें कैसे डाल सकते हो, कैसे इसका कर सकते हो, कैसे इसको यूज करोगे, कैसे आप किलोमीटर्स का कितने किलोमीटर चले हो, सारा कुछ डिटेल रखोगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले हम आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली ऑटो ऊपर टैप कर देना है। सिंपली ऑटो टैप करने के बाद आपका सबसे टॉप पे ये आ गया है, ठीक है। इस ऐप को मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, काफ़ी सारे ऐप मैंने देखे, इंस्टॉल किए, चेक किए, और ये सबसे बेस्ट लगा। इसकी रेटिंग भी आप लोग देख सकते हैं, 4.5 रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है। और 13,000 लोगों ने इसका रिव्यू किया है और 500,000 लोगों ने, उससे भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो मुझे ये काफ़ी बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी ये सा और भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो इस ऐप के बारे में, अगर आपको और कुछ देखना है तो। बाकी मैं सारा कुछ बता ही रहा हूँ कि कैसे सारा कुछ ये वर्क करता है, वो देखिए। सबसे पहले अब इसको हम ओपन कर लेते हैं ऐप को। ऐप ओपन हो रहा है, ठीक है। ओपन होने के बाद इसकी ये होम स्क्रीन खुलती है। ये होम स्क्रीन खुलने के बाद देखो, सबसे पहले जो ऊपर इन तीन पॉइंट पर क्लिक कर लेंगे, वहाँ पे व्हीकल्स का ऑप्शन आएगा। तो आपके पास जितने व्हीकल्स हैं उनको ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए ऊपर प्लस का साइन है, उस पर क्लिक करें। और यहाँ पे हम उसका ऐड फोटो करेंगे, मेक करेंगे, मॉडल ऐड करेंगे, फ्यूल टाइप कुछ क्या है उसका वो डालेंगे, मोर स्पेसिफिकेशन में ईयर आ जाएगा, लाइसेंस नंबर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सबका स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा, इस पूरी स्क्रीन पर उनका स्टेटस आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम प्लस पे साइन पे क्लिक कर करके और भी गाड़ियाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीधा होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर से इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे गाड़ी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करना है। अगर आप पेट्रोल फिल करवा रहे हो अपनी गाड़ी में तो ऐड फिलअप पे क्लिक करना है आपको। डेट डालनी है, ओडोमीटर किलोमीटर डालना है, क्वांटिटी डालना है, कितना लीटर ले रहे हैं, रेट क्या है वो डालनी है, फिलिंग स्टेशन कौन सा था वो डालना है, और कोई अगर नोट भी रहता है तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके साथ आपको रिसिप्ट डालनी होगी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आप अगर कई गाड़ियों के मालिक हैं तो आपको प्रूफ मिलता रहेगा कि हाँ उन्होंने इतने किलोमीटर पेट्रोल डलवाया है, इतना हमारा एवरेज जा रहा है, इतना माइलेज दे रही है गाड़ी, सारा आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो आता है एड सर्विस, कि हमने सर्विस कितने किलोमीटर पर करवाई थी, सर्विस में हमने क्या क्या करवाया था, बैटरी इंजन ऑयल जैसा क्या करवाया था, वो सारा कुछ आ जाएगा। सर्विस सेंटर कौन सा था, हमने पैसा कितना पे करा उनको, उसके अलावा जो रिसिप्ट वो लोग देंगे वो भी इसमें अटैच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आएगा वो है एड एक्सपेंसेस, जैसे कोई अदर एक्सपेंसेस होते हैं, टोल टैक्स वगैरह का होगा इसके अंदर, जो भी पार्किंग टोल, फाइन, इंश्योरेंस, जो भी है वो एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं हम इसके अंदर, उसकी रिसिप्ट अटैच कर दो। एड ट्रिप अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हो क्या है वो सारा यहाँ अटैच कर दो। तो ये सारा डिटेल हम टाइम टू टाइम डालते रहना है। सर्विस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जब सर्विस की ज़रूरत होगी, पेट्रोल का भी मिल जाएगा, गाड़ी में कोई दिक्कत होगी उसका भी आपको अलर्ट इसमें मिलता रहेगा। उसके बाद ये सारा कुछ डालने के बाद हम इसे रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो आप स्टेट्स एंड चार्ट के अंदर जाके इसका और स्टेटस देख सकते हो कि आप गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, कितना पेट्रोल दिया, कितना खर्चा हुआ इसमें, कितना हमारा एवरेज खर्चा निकल के आ रहा है, कब सर्विस होनी है, कितनी सर्विस हो चुकी है, सारी गाड़ियों का इसमें आपको स्टेटस मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है, क्लाउड अकाउंट, क्लाउड अकाउंट में आपका सारा डेटा सेव होता है। उसे सेव होने के बाद आप कई गाड़ियों का स्टेटस एक ही फोन में देख सकते हो, ये कहीं भी देख सकते हो, वेब ओपन करके, वेब कोई भी इसकी जो वेबसाइट है वो भी दे दूंगा मैं, उसको ओपन करके भी वहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं अपना अकाउंट डाल के, ठीक है। माइक्रो अकाउंट पे क्लिक करके आपका साइन इन मांगेगा, गूगल साइन इन जो आपको कर देना है, तो क्लाउड अकाउंट भी सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बाकी जो मैप्स वगैरह हैं, ये प्रो वर्जन है तो वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि गूगल मैप से भी आप लोग काम चला सकते हैं। तो इस तरह आपका गाड़ी की मेंटेनेंस का ध्यान रखता है ये ऐप। तो इसे इंस्टॉल करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं कि आप और किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो भी चीज़ मुझे बताएं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।